बांग्लादेशी महिलाओं को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करवा कर करता देह व्यापार, कलेक्टर ने लगाई रासुका। नमस्कार, स्वागत है आपका MP7 न्यूज चैनल में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए इंदौर की खास खबर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने महिलाओं पर अनैतिक अत्याचार करने वाले आदतन अपराधी विजय कुमार उर्फ आमरुल को राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका में निरुद्ध करने के आदेश जारी किए हैं। विजय कुमार उर्फ आमरुल पिता विमल दत्त उर्फ तबज्जूर मामूल निवासी वर्तमान पता शाही लीला अपार्टमेंट रूम नंबर 109 ओचोला रोड अलकापुरी नाला सुपाड़ा ईस्ट महाराष्ट्र द्वारा बांग्लादेशी महिलाओं को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करवाकर उनसे अनैतिक देह व्यापार करवाना जैसे जघन्य अपराध घटित करता है। बताया गया है कि आरोपी विजय कुमार क्षेत्र में अपना दबदबा व दहशत बरकरार रखने के लिए महिलाओं पर अनैतिक अत्याचार करने, उनके परिवार जन को परेशान करना, महिलाओं को ब्लैकमेल करता है। आरोपी भारत देश में आतंक का पर्याय बन चुका है। वह न केवल भारत की प्रभुता के लिए घातक है, अभी तो आरोपी के आतंक से सामान्य जनमानस के साथ साथ व्यवसायी, महिलाएं, कमजोर वर्ग के लोग भी भयग्रस्त होकर उसके विरुद्ध रिपोर्ट नहीं करते हैं। उसके आतंक से सार्वजनिक सुरक्षा, शांति एवं लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है एवं लोक व्यवस्था भंग हो रही है। आरोपी द्वारा महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाकर उनके साथ अनैतिक कार्य करने के लिए मजबूर करता एवं स्वयं के स्वार्थ के लिए उन्हें देह व्यापार के धंधे में धकेलकर महिलाओं की छवि धूमिल करने जैसे अक्षम्य अपराध किया गया है। आरोपी के विरुद्ध थाना विजयनगर एवं संयोगिता गंज में 3 गंभीर अपराध दर्ज है। उसके अपराध में साथ देने वाले साथियों की गैंग बना रखी है, जिसमें अवैध रूप से बांग्लादेश से महिलाओं को खरीद फरोख्त कर मानव तस्करी करते हुए भारत देश की सीमा में प्रवेश करवाना, इसके बाद भय कारित करते हुए उनसे अनैतिक देह व्यापार करवाता है। आरोपी ने अवैध रूप से देश की सीमा में स्वयं प्रवेश कर अन्य लोगों को भी देश की सीमा में प्रवेश करवाया है, जिससे स्पष्ट है कि वह देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। पुलिस उपायुक्त जोन 3 इंदौर के प्रतिवेदन एवं प्रभारी थाना संयोगिता गंज के कथन से सहमत होते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मनीष सिंह ने आरोपी विजय कुमार उर्फ आमरुल पिता विमल दत्त उर्फ तफज्जूर मामून को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत गिरफ्तार करने के आदेश दिए हैं। देखते रहिए हमारे साथ MP7 न्यूज़।